नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। कंगना रनौत ने अपने घर की डेकोरेशन की झलक सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें तंजोर पेंटिंग भी नजर आ रही है। इसके अलावा एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें लिखा है कि नो ट्रेसपासिंग, उल्लंघन करने वालों को गोली मार दी जाएगी, इससे बचने वालों को दोबारा गोली मार दी जा सकती है। वीडियो में कंगना रनौत होम डेकोर के बारे में बात कर रही हैं। कंगना रनौत का मुंबई में खूबसूरत अपार्टमेंट है, वहीं उनका मनाली में भी एक खूबसूरत सा घर है। उनका घर इंटीरियर डिजाइनर शबनम गुप्ता ने डिजाइन किया है, जो कि आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, मिनी माथुर और इरफान खान के साथ काम कर चुकी हैं। गुरुवार को कंगना रनौत ने वीडियो शेयर किया है, इसमें वो होम डेकोर के बारे में बात करती नजर आ रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कंगना रनौत कहती नजर आ रही हैं कि उन्हें अपने घर को लेकर एक स्पष्ट विजन था। कंगना ने अपने घर की झलक भी दी है, इसमें तंजोर पेंटिंग भी नजर आ रही है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए बताया है, मेरे सभी घर को लेकर मेरा विजन एकदम क्लियर था। जब मैं खुद करती हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है। इसमें पहाड़ होते हैं, तंजोर की पेंटिंग होती है, मेरा दिल पहाड़ों में बसता है, लेकिन मुझे दक्षिण भारत से भी प्यार है। वीडियो में उनके दीवार पर तंजोर पेंटिंग नजर आ रही है, वहीं भगवान बालाजी की भी तस्वीर नजर आ रही है। कंगना रनौत की घर की दीवार पर एक जगह लिखा है, ट्रेसपासिंग की अनुमति नहीं है, उल्लंघन करने वाले को गोली मार दी जाएगी, जो बच जाएगा उसे दोबारा गोली मार दी जाएगी। इसके पहले कंगना रनौत ने अपने मनाली स्थित घर की भी वीडियो और तस्वीरें शेयर की थी। कंगना रनौत का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है। उनकी डेब्यू फिल्म गैंगस्टर थी, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। वो जल्द इमरजेंसी फिल्म में नजर आने वाली हैं। इसके निर्देशन कंगना रनौत ने खुद ने किया है। आप भी इस वीडियो पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग पोस्टर्स के शौकीन हैं। क्या आपको भी अपने रूम के बाहर या अपने घर के बाहर या अंदर भी ऐसे कुछ पोस्टर्स इंटरेस्टिंग से लगाना पसंद है? तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।